फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं इस तरह के कौड़ी सेल को यूज़ करके ठाकुर जी के लिए माला बनाऊंगी। और इसके लिए मैं इस तरह का ऊन ली हूँ, आप कोई भी कलर के यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे गोल्डन बीड्स यूज़ करके बनाऊंगी। तो और कुछ नहीं चाहिए, ये 3 मटेरियल से ठाकुर जी की माला बन जाएगा। ये कौड़ी सेल इस तरह का रहता है। अभी इसको इस तरह से करके इसको तोड़ना है। तो इस तरह से इसको रेडी करके रखना है इस तरह से। अभी जो मैं ये ऊन ली हूँ, फोल्ड करना है और करके इस तरह से थोड़ा सा बांधने के लिए डोरी रख के थोड़ा सा नॉट लगाना है इस तरह से। फिर यहाँ पे एक गोल्डन मोती लेंगे। देखिए इस तरह से गोल्डन मोती ले लिया है, इस तरह से करना है। देखिए जो मोती है, इसके इस साइड में भी और एक नॉट लगाएंगे। नॉट जब लगाएंगे तो अच्छा से देखिएगा, थोड़ा एकदम मोती के नज़दीक होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए इस तरह से। अभी कौड़ी सिल लेंगे। देखिए 2 धागा है, कौड़ी सिल को इस तरह से रखना है। एक धागा ऊपर से जाएगा, एक धागा नीचे से जाएगा। तो इस तरह से देखिए अभी क्या करना है, यहाँ पे और एक नॉट लगाना है इस तरह से, एकदम किनारे पे नॉट लगाना है ऐसे। फिर यहाँ पे और एक मोती लेंगे। मोती ले लिया, फिर से नॉट लगाएंगे। देखिए नॉट भी लगा लिया है। अभी फिर से और एक कौड़ी सिल लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। फिर यहाँ पे नॉट लगाएंगे। फिर एक मोती लेंगे। फिर से नॉट लगाना है। फिर से कौड़ी सिल लेना है। फिर यहाँ पे नॉट लगाना है। इस तरह से मैं 3 ले लिया। लेने के बाद अभी एक मोती लेंगे। अभी क्या करना है देखिए, एक कौड़ी सेल लेंगे।
इस तरह से कोरी सिल में धागा को पास कर लिया है। पास करने के बाद अभी यहाँ पे नॉट लगाएंगे। ये हो गया। फिर यहाँ पे और एक मोती लेंगे। फिर नॉट लगाना है। फिर से कौड़ी सिल लेना है। फिर देखिए यहाँ पे लास्ट बार जो मोती लेना है इसको ले रही हूँ मैं। मोती ले लिया। फिर लेने के बाद यहाँ पे नॉट लगाना है। और ये मेरा माला कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे डोरी थोड़ा देखना है, इसे बराबर करके एक समान करके इसे काटना है। फिर ये बन गया है ठाकुर जी के लिए माला। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।